छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच हुई गोलाबारी में 3 आदिवासियों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेबस आदिवासियों को जबरन नक्सली साबित करने में लगी हुई है सरकार। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सिलगेर कैंप का विरोध कर रहे 3 आदिवासियों की पुलिस की गोलाबारी में मौत हो गई। अब छत्तीसगढ़ सरकार इन बेबस आदिवासियों को नक्सली साबित करने में लगी हुई है। भीम आर्मी चीफ ने इस मामले पर बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निर्दोष आदिवासियों के साथ ज्यादती बीजेपी करती थी, वही अब कांग्रेस भी कर रही है। ये बेहद शर्मनाक बात है। आपको जानकारी दे चलें कि बीजापुर के सिलगेर स्थित पुलिस कैंप के पास कुछ दिनों से ग्रामीण विरोध कर रहे थे। ग्रामीण लोगों का कहना था कि कैंप स्थापित नहीं होने दिया जाए। आईजी सुंदरराज के मुताबिक कुछ दिन पहले ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया गया था, लेकिन अचानक 17 मई को दोपहर में ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आज़ाद के इस बयान के बाद कांग्रेस इस मसले पर क्या कुछ कहती है। आईटीपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।